हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस सेकंड चैप्टर का शीर्षक है गीता का सार, मतलब पूरी भागवत गीता का सार इस सेकंड चैप्टर में दिया गया है। सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक आप निकालो। भगवान श्री कृष्ण इतने समय से फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन की बातें सुन रहे हैं और अभी अर्जुन को बोलने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला सेकंड वन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विशामे सामुपस्थितम् विशामे सामुपस्थितम् अनाड़िया जुष्टम स्वर्ग्यम् अनाड़िया जुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकारमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है और उससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कृष्णा अर्जुन के मित्र है और इसीलिए अर्जुन को एक प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कलमश कैसे आया। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। जैसे अगर हमारे जो सिपाही है देश की सुरक्षा नहीं करेंगे और बोलेंगे मैं कल से अहिंसा को अपनाऊंगा, सारे सिपाही, और सामने जो है आपके विपक्ष वाले आपके एनिमी खड़े हैं और आप बोलेंगे युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या होगा? देश का सुरक्षा हाथ से चला जाएगा। यानी कई कई जगहों पर अगर हिंसा करना लिखा है शास्त्र में तो उनको हिंसा करना पड़ेगा, नहीं तो जो उपद्रवी है वो क्या करेगा? आके राज करेगा, जिससे और समाज में हिंसा फैलेगा। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो के अपना कर्तव्य नहीं पालन कर रहे हो। क्षत्रिय मतलब जो समाज को क्षत से सुरक्षा करते हैं और आप जो है क्षति से सुरक्षा समाज को नहीं देना चाहते हो। तो इसलिए ये कलमश है आपके मन में। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होकर आपको पढ़ाई नहीं करना तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए आपका धर्म है और इसको पालन करना ज़रूरी है। हमारा दो प्रकार का स्वधर्म होता है, एक शरीर का एक आत्मा का। शरीर का स्वधर्म है शरीर से रिलेटेड जो हमें कर्तव्य मिला है उसका पालन करना। जैसे आप स्टूडेंट हो पढ़ना, आपके माता पिता, क्योंकि माता पिता है आपका देखभाल करना, जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी करना, तो ये शरीर का स्वधर्म है। हाँ ये सच है कि आत्मा का स्वधर्म शरीर के स्वधर्म से बड़ा होता है। आत्मा का स्वधर्म है भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि हर आत्मा भगवान का अंश है, हम जिनका अंश है हमें उनकी सेवा करना चाहिए। आप देखिए, मछली को पानी से निकाल दो, मछली खुश हो पाएगी? मछली को अगर बोलना आया तो बोलेगी, मुझे आप जो ये हीरो का हार दे रहे हो, छप्पन भोग दे रहे हो, ये मत दो, मुझे पानी में छोड़ दो, मैं खुश रहूँगी। इसी प्रकार से हम आत्मा हैं, आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। हम कितने ही बड़े साइंटिस्ट बन जाए, कितने बड़े सेलिब्रिटी बन जाए, कितने फेमस बन जाए, हम सुखी नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड नहीं करते, कोई बीएमडब्ल्यू में कोई रोता नहीं, महलों में कोई दुखी नहीं रहता। यानी हम आत्मा हैं,
तो आध्यात्मिक जीवन जिए बिना हम सुखी नहीं रह सकते। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो ऐसे अमीर अमीर घर के लोग थे जो हिप्पीज बन चुके थे। क्यों? क्योंकि अमीरी में भी उनको आनंद नहीं मिल रहा था, तो एकदम ड्रग्स एडिक्ट बन गए, सड़कों पर चले गए घर बार छोड़कर, बालों में एकदम मतलब एकदम पागल जैसा बाल बना के लंबे लंबे। जब प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और जब उनको आध्यात्मिक जीवन का स्वाद चखाया तो वो लोग टोटली जो है वैष्णव बन गए, और उनको पता चला कि हमें सब सुख उपलब्ध था, हम सबसे अमीर थे फिर भी हमें सुख नहीं मिल रहा था, लेकिन हरे हरि नाम में हमें सुख मिल रहा है। तो कितने ही लोग सारा धन संपत्ति छोड़कर जो साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, आपको क्या लगता है उनको सुख मिलता है? इसलिए तो बनता होगा, कुछ तो मिलता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम आत्मा है। तो इसलिए बोला कि कलमश है और इससे अपयश को प्राप्ति होंगी। कोई एक जिसका कर्तव्य है उसको पालन नहीं करते तो कहाँ जाता है, नरक को जाता है, और लोगों के बीच में भी उसकी बुराइयाँ फैलती है कि बताओ इन्होंने ये कर्तव्य था पालन नहीं किया। जैसे कि बोलते हैं बूढ़े माता पिता है, माता पिता ने हमें बचपन से बड़ा किया, सब नखरे सहे, कितना कष्ट किया, अभी भी आप लोगों के लिए पेरेंट्स कमा रहे हैं ताकि आप अच्छी जगह से पढ़े, है ना। तो जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब हम उनका देखभाल करें, हम कमाएं और हम उनको आराम दें। लेकिन अगर कोई ऐसे नहीं करते तो उसकी बुराई होती समाज में नहीं होती है, होती है ना। तो ऐसे ही बोला कि आप ये अपयश को प्राप्त करोगे। यहाँ तक बोल दिया कृष्ण ने कि आप एक नपुंसक की तरह कार्य कर रहे हो, आप इतने महान योद्धा हो, आपको युद्ध लड़ने से क्या डर है, क्या ये कंपेशन, ये झूठा कंपेशन है, ये हृदय का दुर्बलता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो इस दुर्बलता को आप त्याग करो। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, मैं गुरु को पलट कर कैसे बाण चलाऊंगा, भीष्मा जिनकी गोदी में मैं बड़ा हुआ हूँ कैसे बाण मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि अधर्म के पक्ष में चाहे कोई भी हो तो अधर्म ही है, यानी वो अधर्म को जिताने के लिए है और आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं तो हमें वो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें अगर फिर भी मोह आ रहा है, जैसे किसी का बेटा टेररिस्ट बन गया, अगर वो मोह के कारण जो है उसको बचाता रहेगा और वो हजारों लोगों को मारता रहेगा तो आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? यस। तो इसीलिए बोला कि आपके लिए क्या है, युद्ध करना ही बेटर है। अब अर्जुन को थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, अगर आप सही कंडीशन में हैं तो आपको दुखी नहीं रहना चाहिए। अर्जुन कन्फ्यूज्ड हो चुका है। पता है हमारे लाइफ में कन्फ्यूजन जब आता है तो आप सोच लीजिए हम रजोगुण में हैं, सतोगुण में हमारा लाइफ गोल हमें क्लियर दिखता है, भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, बैलेंस बनाना आता है भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में, डिसीशन एकदम क्लियर होता है, शास्त्रों के अनुसार होता है, पाप नहीं करता। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति भौतिक इच्छा को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देते हैं, मतलब मैं ये भी पालू वो भी पालू, और कंफ्यूज रहता है, उसका डिसीशन में 50% सही हो सकता है 50% गलत। तमोगुण में हमेशा गलत डिसीशन देते हैं, जैसे कि कोई नशा करके पड़े हुए नाली में, वो तो आनंद में उसको पता नहीं है लेकिन देखने वाले को पता है कि नाली में कीड़ों के साथ ये क्या कर रहा है। आप समझ में आए आपको? तो ये तीनों गुणों का नाचते रहते हैं व्यक्ति तीनों गुणों में। तो अब अर्जुन जो है एक श्लोक बोलते हैं, 7 श्लोक का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। जब हमें अंधेरा दिखे, कन्फ्यूज हो जाओ दो गोल के बीच में, तो आप भी ये श्लोक दोहरा सकते हो। ये भगवत गीता के 2nd चैप्टर का श्लोक नंबर 7 है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन अब स्वीकार कर रहा है, हाँ कृष्णा मेरे हृदय की कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। आप कब रोते हैं मालूम है, जब आपका धैर्य खो जाता है। किसी के घर में डेथ होता है
तो घर वाले अगर धैर्य, दुख तो सबको होगा फैमिली मेंबर्स को, लेकिन कुछ लोग नहीं रो रहे हैं क्योंकि वो धैर्य धारण किए हुए हैं दूसरों का धैर्य बंधाने के लिए कि मैं ही टूट जाऊंगा तो इसका क्या होगा। लेकिन जो रो रहा है वो धैर्य में अब नहीं है। तो अर्जुन रो रहा था कंपेशन के मारे कि मेरे सामने मेरे ही रिश्तेदार हैं, तो इसलिए अब उनको समझ में आ गया मैं धैर्य खो चुका हूँ और कन्फ्यूज हो चुका हूँ और ऐसी अवस्था में हे कृष्ण मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो हमें भगवान से पूछना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपको इतना अच्छा गाइड नहीं कर पाएंगे जितना परमात्मा हृदय में जो है वो आपको गाइड कर पाएंगे। भगवान से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कृष्ण अब तक मित्र की भांति सुन रहे थे, दोस्त का क्या काम है सुनना समझाना, लेकिन अब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु पद दे दिया। मैं आपका शिष्य हूँ मतलब आप मेरे गुरु हो, अब आप बताओगे कि आप भगवान हो, आप मुझे बता सकते हो। तो आप देखना अब यहाँ से कृष्ण की जो है असली भगवद गीता शुरू होगी, जो भगवद गीता केवल 30-40 मिनट में कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को बताया गया। और भगवद गीता अगर आपने पढ़ा है सारे वेद उपनिषद पुराण का ही सारांश है, तो अगर हम भगवद गीता को हृदयंगम कर सकते हैं तो हम सारे वेदों को फॉलो कर रहे हैं। तो कृष्णा उनको आगे कहेंगे कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो एक प्रकार से अर्जुन को थोड़ा डांटा कि पंडित की तरह तो तुमने बहुत सारा मुझे बताया कि बड़े लोग मर जाएंगे तो संस्कार कौन देंगे छोटों को, है ना, स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाएंगी उनकी प्रोटेक्शन कौन करेंगे, अवैध यौन संबंध बन जाएगा, लेकिन पंडित की तरह काम बात करके भी आप दुखी हो रहे हो, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जीवित व्यक्ति के लिए भी दुखी नहीं होते, मरने वालों के लिए भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उसको मालूम है शरीर मरा है आत्मा नहीं मरा है। और जीवित व्यक्ति के लिए इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनको मालूम है कि ये अपने कर्मों के अनुसार नृत्य कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। जैसे अधर्म के पक्ष में जो खड़े हैं तो उनको फल मिलेगा, वो सारे मारे जाएंगे, और मारे भी नहीं जाएंगे, वो भगवत धाम जाने वाले हैं क्योंकि भगवान की उपस्थिति है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता अर्जुन कि तुम कभी रहे नहीं या मैं कभी रहा नहीं। भगवान सनातन है तो भगवान के अंश हम लोग सनातन है कि मरने वाले हैं, सनातन है। तो सबसे पहले हमें आत्मा के बारे में भगवान इसमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा जैसे आप आत्मा हो, सेम आत्मा हो, लेकिन आप छोटी बच्ची भी तो थी, 1 साल की, 5 साल की हुई, 10 साल की हुई, मान लो आप 20 साल की हो गई, लेकिन आप एक दिन 50, 60, 70, 80, 100 की भी तो होंगी। यानी भगवान कहते हैं जिस प्रकार आत्मा बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था मतलब टीन एज और टीन एज से वृद्ध अवस्था तक निरंतर अग्रसर होता रहता है, इसी प्रकार जब शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है, तो शरीर का जब मृत्यु होता है तो एक शरीर से दूसरा बेटर शरीर में चला जाता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो जवान शरीर, अच्छा शरीर मिलेगा ना उनको, तो इसलिए इसमें दुख करने वाली कोई बात नहीं है। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 14। भगवान ने हमें सिखाया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा, सुख और दुख ऐसे ही आएगा जैसे ठंडी और गर्मी। अभी हमारा ठंडी आने वाला मौसम हो रहा है, फिर गर्मी आएगी, हम रोक सकते हैं क्या ठंडी गर्मी को? ऐसे ही आप सुख और दुख को नहीं रोक सकते हैं, ये भौतिक जगत का नेचर है। आपका सक्सेस किसमें है? इसमें अविचलित रहते हुए अपना कर्तव्य का पालन करना, जो ऐसा कर पाता है वो सक्सेसफुल होता है। अब आप लोग भगवान से कभी दुख मांगते हो? लेकिन हम सुख मांगते हैं, हम निरंतर भगवान से सुख मांगे फिर भी कभी ना कभी दुख तो आता है। हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहने वाले नहीं है, जब उनका देहांत होता है किसी ना किसी को दुख होता है, पुत्रों को, है ना, या पुत्रियों को। इस तरह से जीवन में भी बहुत दुख आएगा, आपके क्लासमेट ने कुछ बोल दिया, आपके पापा ने आपको डांट दिया, ये सब भी तो दुख है। तो ऐसे 3 प्रकार का दुख है, आदि दैविक,
आदि देविक, मतलब देवताएं भी दुख देते जब अधर्म बहुत ज्यादा फैल जाता है ना, तो देवता कैसे दुख देंगे? नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ जाएगा, तो इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर है वो देवता लोग देते हैं हमारे, क्योंकि हमारे अधर्म के कार्यों के कारण। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक मतलब दूसरे लोग आपको दुख देंगे, हो सकता है मच्छर काट गया, कुत्ता काट गया, किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ बुराई किया, तो आपको दुख मिलेगा। और तीसरा है आपके ही शरीर और आपके ही मन से उत्पन्न होने वाला दुख, जिसको बोलते हैं अधिआत्मिक दुख। अधिआत्मिक, अध्यात्मिक मतलब आपके बॉडी बीमार होता है तो दुख होता है, दुख होता है आपका बॉडी को बीमार होता है तो आप ठीक करने के लिए दवाई खाते हो, नहीं खाते हो, लेकिन आपका मन भी तो बीमार होता है। मन बीमार होता है का मतलब मन से उत्पन्न भी तो दुख होता है, किसी ने कुछ अपमान किया, वो बात दिमाग में घूम रहा है घूम रहा है, किसी पे आपका मन नहीं लग रहा है, ये भी मन का दुख है। तो इस दुख को भी हमें दवाई देना चाहिए, वो है भगवद गीता, ठीक है। तो सुख दुख आता रहेगा, हमें अविचल भाव से इसको सहन करना सीखना चाहिए। सहन करने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्णा, तो यानी सहन करना ही तपस्या है। तपस्या क्या है? तपाना, मन और शरीर को तपा कर भी जो भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है, यानी सहन करता है ना। तो हमें सुख दुख गर्मी सर्दी सब सहन करना पड़ेगा और फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, तो उसको तपस्या कहा जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो सुख दुख से विचलित नहीं होता है वही मुक्ति के योग्य है। अभी देखो ये तीन दुख मैंने आपको बताया और भी चार दुख है, पता है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको जन्म मृत्यु चक्र बोलते हैं। अब जन्म में आपको आपको पता नहीं चला होगा आपको दुख मिला, मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि एक ऐसे थैली में उल्टा लटके हुए हम लोग 9 महीने तक रहते हैं। माँ के पेट में हमें दुख होता है क्योंकि मलमूत्र में जो माता की कीड़ा है वो हमें काटता है ना, तो ऐसा दर्द होता है जैसे पूरा शरीर पेनफुल हो जाता है, बार बार हम बेहोश हो जाते हैं माता के गर्भ में, बार बार हम उठ जाते हैं, है ना। और जब माँ कोई बहुत खट्टा बहुत गर्म चीज़ खाते हैं, मसालेदार या तीखा मिर्ची, तो पूरे शरीर में जलन होना शुरू होता है। बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है, बच्चा कभी पैदा होता है आप छुप के देखना, इतना कोमल होता है क्योंकि अभी निकला है ना, तो इसलिए उसको मालिश कर करके थोड़ा टाइट करते हैं। इतना कष्ट होता है 9 महीने तक उल्टा लटकाना लटकना, तो उस समय हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे हाथ ऐसे जुड़ा होता है बच्चे का, बच्चे को याद आता है कई जन्म 100 जन्म अगर वो भगवान है तो 100 जन्म याद आएगा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे इस जो कारागार है उससे निकालो, इस बार मैं आपका भक्ति करूँगा, ऐसे प्रार्थना करते हैं और निकलते ही माया पकड़ लेते भूल जाते हैं। कोई भी बंद कमरा में हमें 5x5 कमरे में अंधेरे में हमें बंद कर रखे, हम कितना अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा, लेकिन भगवान की व्यवस्था के कारण वो बच्चा जिंदा रहता है, पर उसको कष्ट होता है। लोगों को लगता है अरे मम्मी प्रेग्नेंट है, मम्मी को बहुत कष्ट हो रहा है, जन्म देते समय मम्मी को कष्ट हो रहा है, नहीं, इतने छोटे से जगह से बच्चे को निकलना है जिसका शरीर बहुत कोमल है, हड्डियों के बीच में आना पड़ रहा है, और इसको कितना कितना कष्ट हो रहा है अपने आप को बाहर निकालने में, उसको ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए वो रोता है, बाकी लोग हंसते हैं। आप रोते हुए पैदा हुए हो और डॉक्टर भी उल्टा करके मारते हैं पीछे और बोलते हैं हाँ हाँ रो रहा है, नॉर्मल है नॉर्मल है ना, तो नहीं है, उसको कष्ट होता है। इतना ही कष्ट नहीं, जब पैदा होता है उसको तो लिटा दिया पलंग पे, कीड़े छोटे छोटे मच्छर उसको काटता है, पता है जितना कष्ट हमें होता है ना कुछ नहीं, उसको दबिल होता है, बहुत स्वेलिंग खुल जाता है, आपने देखा होगा, वो बता नहीं पाता कि मुझे भूख लगी है, मुझे पेट में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कितने बड़े समय तक बता ही नहीं पता, एक डेढ़ साल तक, है ना, कितना कष्ट है जन्म और मृत्यु में, इतना कष्ट है कि 1000 वृश्चिक काटने जितना कष्ट है। आपने देखा होगा मृत्यु के समय व्यक्ति का मलमूत्र भी निकल जाता है, तो कहने का मतलब है कि मृत्यु भी बहुत कष्टदायी है, लेकिन भक्तों के लिए कष्टदायी नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के समय जो मृत्यु आया, ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पैर रख के जो विमान भेजा था वैकुंठ जगत का उसमें चढ़ गए, तो मृत्यु भक्तों के लिए कष्ट नहीं है, भक्तों के लिए वो गेटवे है कि वो आध्यात्मिक जगत में चला जाए, वैकुंठ जगत में प्रवेश पाए। अब बुढ़ापा कष्टदायक है आपने देखा, बीमारी कष्टदायक है, ये भी आपने देखा,
तो ये चारों चीज़ों से अगर मुक्ति पाना है तो कौन मुक्त हो सकते हैं जो सुख दुख में विचलित हुए बिना भक्ति में अपने कर्तव्य में दृढ़ रहे। तो आगे भगवान कहते हैं, भगवान अभी आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि आत्मा जो है अविनाशी है, इसको आप अस्त्र से नहीं काट सकते हो, शस्त्र से नहीं काट सकते हो। आत्मा का आकार बताते हैं कि आपका जो बाल है ना, बाल के अग्रभाग को हजार टुकड़ा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। हजार टुकड़ा करने पर जो एक टुकड़ा है ना, वो आत्मा का आकार है। ऐसा कोई मशीन ही नहीं हो आत्मा को देख सके, इसलिए बहुत लोग आत्मा पर भरोसा ही नहीं करते। लेकिन ऐसी बहुत केसेस आए हैं जिसको पूर्व जन्म याद है, पूर्व जन्म का केस सोल्यूशन किया है, और ऐसे बहुत पुनर्जन्म की कहानियां हैं, तो अब साइंटिस्ट को भी मानना पड़ा है। तो आत्मा का गति है, इसका मतलब हम ऐसे बच नहीं सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कौन लोग पाप करते हैं? जो सोचते हैं ना ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसे जो सोचते हैं ना वो पाप करते हैं। वो बोलेंगे बाय हुक एंड क्रूक मुझे कमाना है, लोग मरे जिए मुझे उससे कुछ लेना देना, क्योंकि भगवान है ही नहीं, उनके लिए भगवान मरे हुए हैं। लेकिन आत्मा की गति है, आज जो राजा है अगले जन्म में वो फुटपाथ के भिखारी भी हो सकते हैं। इसलिए जन्म में डिफरेंस है। जैसे आप लोगों का सबका अच्छा परिवार में जन्म हुआ, तभी तो आप पढ़ने आए यूनिवर्सिटी में। लेकिन सबका ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए ही कितना कष्ट उठा रहे हैं कि उनको अलग से कमाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कमाया है इसलिए। और पुण्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो एक पुण्य होता है कि हमने गरीबों को खिला दिया, ये पुण्य है। इस पुण्य के बल पर आपको अच्छा जन्म मिलेगा, स्वर्ग जाने को मिलेगा। लेकिन गरीबों को खिलाने से भोग उन्मुखी पुण्य मिला। जैसे ही आपने उस पुण्य को भोग लिया, पुण्य खत्म, जीरो। इसलिए भागवत गीता में कहा है क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होते ही आप फिर से यहाँ जन्म लोगे मनुष्य के बीच में, यही जहाँ पे हम हैं। एक पुण्य है जो अभी आप कमा रहे हो, इस पुण्य का नाम है भक्ति उन्मुखी पुण्य, जो कभी नष्ट नहीं होता है। कितना भी आप खर्च करो नष्ट नहीं होता, हर जन्म में आपके साथ रहता है, हर जन्म में आपको अच्छा जन्म देता है। और इसी जन्म में अगर आपने इतना भक्ति उन्मुखी पुण्य कमा लिया तो आप भगवत धाम जाते हैं। तो इसको बोलते हैं भगवत गीता का श्रवण करना या भगवत गीता का पढ़ना, मंदिर जाना, भगवान की रोज पूजा करना, दिया जलाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो ये सब भक्ति उन्मुखी पुण्य है, ये हमें कमाना चाहिए। तो इसलिए आत्मा क्या है, जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में आए तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म नहीं होता है, है ना। तो आत्मा का भी जन्म नहीं होता है। आत्मा को एक शरीर चाहिए भौतिक जगत में रहने के लिए, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान उसी शरीर में आते हैं और भगवान उसी शरीर में जाते हैं। भागवतम में वर्णन है, कृष्णा जिस शरीर से आए उसी शरीर में वो भगवत धाम चले गए। जैसे आप लोगों का कोई वस्त्र पुराना होता है तो आप उसे फेंक देते हो या लोग पोछा बना लेते हैं, लेकिन आप उसे नहीं पहनते हो, बहुत टूट फूट गया, जो खराब हो गया। तो उसी प्रकार जो शरीर बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है, बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन बीमार हो गया, अब रहने लायक नहीं है, हार्ट नहीं काम कर रहा है, लिवर नहीं काम कर रहा है, किडनी नहीं काम कर रहा है, तो आत्मा को वो शरीर चेंज करना पड़ता है। या कोई एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया उसका, तो वो शरीर रहने लायक नहीं रहा, तो छोड़ना ही पड़ेगा आत्मा को। लेकिन आत्मा को क्या शरीर मिलेगा, वो उसके कर्म के हिसाब से, यानी आपके जो पूर्व कर्म है उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलेगा। कोई कुत्ते का शरीर में जाएगा, कोई बिल्ली का, कोई मनुष्य का, कोई देवता का। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा केवल वस्त्र जैसे चेंज करते हैं हम लोग, ऐसे शरीर चेंज करते हैं, आत्मा कभी नहीं मरता है। आगे भगवान कहते हैं यही बात, भगवान बार बार, आप देखिएगा, आपको जब मैं क्लास देती हूँ ना, आप उस भगवत गीता के चैप्टर्स को आप पढ़िए, है ना। पहले मीनिंग आप पढ़ लो, फिर आप तात्पर्य को पढ़ो। तात्पर्य पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज होगा उसमें। तो आपको फिर कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। पढ़ोगे आप लोग सेकेंड चैप्टर? तो आप देखना, भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है,
और वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनका कोई वध नहीं हो रहा है अर्जुन, इसलिए तुम दुखी मत हो। और अगर उनका किसी भी वीर का अगर वध होता भी है ना, वो स्वर्ग लोक को जाते हैं और कृष्ण के सामने रहने के कारण ये लोग भगवत धाम जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं लेकिन तुम कर्तव्य की उपेक्षा करोगे तो पाप लगेगा और तुम्हारा जो यश है योद्धा के रूप में वो तुम खो दोगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान से बड़ा मृत्यु भी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग इसलिए मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका अपमान मृत्यु से भी बढ़कर लगता है। मरना इतना आसान नहीं है और मरना नहीं चाहिए। हमें बहुत मुश्किल से 84 लाख योनि में भटक भटक के मनुष्य योनि मिलता है, और मनुष्य योनि केवल भक्ति करने के लिए मिला है। मनुष्य योनि पशु पक्षी तो चार काम पशु पक्षी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आहार खाना, निद्रा सोना, भय डर डरना, रक्षा करना खुद का, और मैथुन स्त्री पुरुष का जो संघ होता है वो तो सब में है, सिर्फ मनुष्य को थोड़ी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो इसी प्रकार ये चारों काम ही अगर हम करेंगे तो पशु और हम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्या बोला है शास्त्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब आप ब्रह्म यानी भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में जिज्ञासा करो। तो ये जिज्ञासा का ही, अब देखिए कोई भी शास्त्र, भागवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कृष्ण जवाब देंगे, भागवतम में भी प्रश्न पूछा जाता है जवाब आता है, तो प्रश्न उत्तर के थ्रू हमें एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज होता है। इसलिए कृष्ण ने बहुत सुंदर यहाँ पे हमें बताया कि हमें सुख दुख लाभ होगा नुकसान होगा ये सोचे बिना हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग कल एग्ज़ाम है और आप सोचते रहो पता नहीं मेरा कितना मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स, इतना पढ़ूंगा तो कितना मार्क्स आएगा, नहीं आप सोचते रहोगे तो आपका सोच रिजल्ट पर रहेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे पढ़ाई पे ऊपर। तो फोकस रिजल्ट से हटाकर पढ़ाई पर लाना ज़रूरी है, और बाकी अच्छा ही होगा जब आप 100% होगे अपना, है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि लाभ हानि की चिंता मत करो, उसमें समय नष्ट मत करो, आप क्या करो युद्ध करो। और भक्ति में अगर किसी ने थोड़ा सा भी समय दिया है, भगवान कहते हैं वो महान भय से रक्षा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब तक कॉलेज में हैं तब तक आपने भागवत गीता का क्लास अटेंड किया, आपने भागवत गीता पढ़ा, और उसके बाद आप कहीं बिजी हो गए, नहीं भी किया ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको महान भय से आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये वाली पुण्य कभी नष्ट नहीं होती है इसलिए। और हमारी बुद्धि कैसा होना चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी कृष्ण भावना में स्थित बुद्धि, भगवान से हटकर हमारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब हमारी बुद्धि जो है हमें कहाँ लेके जाएंगी, गलत दिशा पर ले जाएंगी। एक और यहाँ पे श्लोक के 42 और 43 श्लोक में बताया गया है कि जो कम बुद्धिमान लोग हैं ना वो वेदों के आलंकारिक भाषाओं से आकृष्ट होते हैं। आलंकारिक मतलब जैसे मान लो, क्या नाम है आपका, मान लो ये अलंकार पहने हैं तो ये बहुत सुंदर लग रही है, आप लोग अलंकार नहीं पहनी हो, मेकअप नहीं की हो, आपको आप सुंदर नहीं लग रहे एग्जाम्पल। तो अगर मैं सिर्फ ये देख के कि ये अलंकार पहनी हुई है तो मैं इनके प्रति आकृष्ट हो जाऊं और मैं आप सबको नेग्लेक्ट कर दूं तो ये सही होगा? आपको मालूम है सांप जो सबसे खतरनाक सांप है ना, उसके ऊपर क्या होता है, मणि होता है, और कोई अगर मणि लेने जाए तो मारा जाएगा, है ना। तो आज के समाज में खासकर जो लड़के हैं वो सुंदरता पर मोह जाते हैं, लड़कियों की कैरेक्टर नहीं देखते। पहले आपकी मम्मी या दादी लोगों को आप पूछना, पहले ये देख के शादी किया जाता था कि ये लड़की धार्मिक है, भगवान की भक्त है। क्योंकि जब जब आप कुछ खाना भी पकाती हैं आपकी कॉन्सियसनेस आग के माध्यम से खाने में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए धार्मिक होंगे तो क्रोध पर भी कंट्रोल होगा, गुस्सा तो आएगा ही, सभी रिलेशनशिप में गुस्सा आता है, क्रोध पे कंट्रोल होगा, मोह पर कंट्रोल होगा, लोभ पर कंट्रोल होगा, सब पर कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये देखा जाना चाहिए कि इस लड़की का चरित्र कैसा है। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है, कौन कितना स्टाइल मार के आई है, कौन कितना क्रॉप टॉप्स पहन के आई है, है ना, उनका फिगर कैसा है, तो फिर बाद में रोते हैं, है ना। पहले तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे
पहले अपनी मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे मैं इस लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। फिर शादी करने के बाद बोलते हैं आई कैन नॉट लीव विदाउट हर, फिर बोलेंगे मम्मी आई कांट लीव विद हर, डिवोर्स। पहले बोलेंगे इसके बिना नहीं जी सकता, बाद में बोलेंगे इसके साथ नहीं जी सकता। मतलब कल जो क्या बोलते हैं चंद्रमुखी थी वो ज्वालामुखी बन गई। देखो कोई भी इंसान है ना, जैसे आप फ्रेंड भी हो तो भी फ्रेंडशिप में भी कुछ ना कुछ कभी आपको एक दूसरे की कमियां एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में, कृष्णा इज ओनली परफेक्ट। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें क्या देखना है, अलंकारिक भाषाओं में नहीं जाना है। अब मैं क्यों बोला ये बात, एग्जाम्पल आपको मैंने क्यों दिया, शास्त्रों में ना आप जब पढ़ोगे ना, इसे सुनोगे भी बहुत सारी कथाओं में, आप ये करो तो ये फल मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि आप ये करो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको, आप ये करो आपका बहुत नाम होगा। तो आपको क्या करते हैं ना, भौतिक लालच देते हैं। ऐसे बहुत गुरु हैं जो आपको टोटका करके कुछ ठीक कर देते हैं और अपने शिष्य बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए केवल नहीं है। आप जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों मिलता है। तो इसलिए आपको गुरु ऐसा चाहिए जो आपको शुद्ध कृष्ण भक्ति करना सिखाए, जिससे आप जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सको। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कोई व्यक्ति डूब रहा है यमुना में, पगड़ी पहना हुआ है, पगड़ी में सोने का भी कुछ कुछ लगा हुआ है, एक व्यक्ति ने बचाने गए, पगड़ी बचा के ले आए और उसको डूबने दिया, क्या लाभ हुआ? लेकिन एक व्यक्ति गया उसको बचाया, पगड़ी बह जाने दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और एक एग्जाम्पल, आसपास ए और बी का घर है, ए के घर में कोई गया गुंडे और बोला पैसे दे दो, ए ने सारा पैसा दे दिया, ले लो हमें मत हानि पहुँचाओ, बोलते ठीक है चले गए पैसे लेके। बी के घर गए सारे पैसे दे दो, वो लोग छुपा के रखे नहीं हमारे पास तो कुछ है नहीं सब बैंक में है, तो उनका हाँ। लेकिन ए के घर तोड़फोड़ कर दिया था उन्होंने, बी के घर में कोई तोड़फोड़ नहीं किया, उन्होंने पैसा देने के लिए मना किया, उनका जो बेटा था उसको गोली मार दिया, लॉस किसका हुआ? ए के घर से लेकिन करीब 50 लाख का सामान खराब हो गया, सोना भी चला गया, लेकिन बी का लड़का गया, किसका लॉस हुआ? क्यों? क्योंकि बी जान चली गई, जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपका बाकी सब चीज़ वापस आ सकती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन वापस नहीं मिल सकता, एक बार हमने मिस कर दिया। तो इसलिए मनुष्य जीवन में आप स्टूडेंट हो तब भी भक्ति करना है, आप नौकरी करो तब भी भक्ति करना है, आप यंग हो तो भी, वृद्ध हो तो भी, हर समय हमें बैलेंस बनाना है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सबका गोल एक ही है, आप भले डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन हमारा गोल है सुख पाना, हैप्पीनेस। कई सारी माताएं हाउसवाइफ है हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि उनका हैप्पीनेस उनके परिवार में है। तो इसलिए हैप्पीनेस ही सबका गोल है, और आध्यात्मिक जीवन के बिना कभी हम हैप्पी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आलंकारिक भाषाओं से हमें आकर्षित नहीं होना है। शरीर का खाना है दाल चावल रोटी सब्जी, मैंने लास्ट क्लास में बताया, लेकिन आत्मा का खाना है, खिलाए आत्मा को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, ये आत्मा का खाना है हरि नाम। तो आप अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरि नाम जप करो, आपकी आत्मा आत्मा के लेवल में आ जाएगा, उसको समझ में आने, अभी भ्रमित हो जाता है आत्मा, शायद मैं ये मन हूँ, शायद मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि आईने में तो ये शरीर ही देखते रहते हैं, और दिन भर तो मन ही बोलता रहता है ये नहीं करना ये करना है, ये नहीं दिल लग रहा है वहाँ लग रहा है, लेकिन आत्मा तो भ्रमित हो चुका है। एक स्टोरी है एक शेर का, शेर ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर ना गाय खाने गया, गौशाला में उनका एक गाय बंदी होती है, पहले जंगल वगैरह पास पास होता था तो आ जाते थे शेर गांव में, और गांव में भी घर दूर दूर हुआ करता था, इसलिए लोग लाइट भी नहीं था पहले है ना, तो लालटेन कितना जलाएंगे, तो क्या करते थे संध्या होने से पहले वो लोग खा पी के बर्तन वर्तन धो के फिर संध्या के समय पूजन करके सो जाते थे। तो क्या हुआ, शेर ऐसे छुपके से बैठा हुआ है कि ये लोग सो जाए तो मैं गाय को खा लूँ। तो इतने में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संध्या आने वाली है। तो ब्राह्मण ने भी खूब जल्दी जल्दी हाथ चलाया, तो सोचा
अरे संध्या आने वाली है, ये संध्या कौन है? शेर डर गया, सोचा आज पानी पी के ही सो जाऊंगा, पता नहीं संध्या कौन है। तो नदी के किनारे चले गए। धोबी अपने सर्वेंट को बोल रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी कपड़ा फोल्ड कर, जल्दी जल्दी निपटा, संध्या आ रही है। तो शेर ने पानी पीने गया था, वो भी नहीं पिया, अरे यहाँ भी संध्या आ रही है, ये संध्या कौन है? तो एक झाड़ी में छुप के चला गया, छुप के बैठा हुआ है। तो तब धोबी गधा ढूंढ रहा है, गधा को छोड़ देते ना घास खाने के लिए, इधर उधर कहाँ भाग गया। गधे को आवाज़ दे रहे, आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो देखा झाड़ी ऐसे हिल रहा है, तो लाठी लेके गए, मेरे साथ खेल रहा है, टाप टाप मारा उसको। कौन था झाड़ी में? शेर। शेर ने सोचा अरे बापरे संध्या मारती भी है, तो डर गया बुरी तरह से, और अंधेरा तो हो ही चुका था। तो देखा वो निकल के आया, तो गधा समझ के उसके ऊपर सारा कपड़ा लाद दिया और चला के घर तक ले आए, फिर कपड़ा वो करके गधे की जगह पे उसको भेज दिया। शेर बहुत डर गया, बाप रे आज बहुत मेहनत हो गई है, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, संध्या बहुत भयंकर है। लेकिन शेर शेर था, एक बार दहाड़ देता सब डर के भाग जाते। लेकिन उसने किसको क्या भ्रम हो गया, संध्या भयंकर है, मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ। तो आत्मा का यही अवस्था है, आत्मा अभी आत्मा के लेवल पर नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो हमने खाना ही नहीं दिया। एक स्टोरी आती है सोने की पिंजरा, सोने के पिंजरे में एक तोता सुंदर सा, महारानी की सब लोग आके किसकी तारीफ करेंगे, वाह बहुत बढ़िया सोने का पिंजरा आपने बनाया तोते के लिए। तो सोने के पिंजरे को वो साफ करती रहती, चमकाती रहती, तोते को कभी खाना देती कभी नहीं देती, तोता मर गया। तोता मर गया तो सोने के पिंजरे का कोई वैल्यू रहा, कोई तारीफ करेगा? खाली सोने का पिंजरा बाहर बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसा तो नहीं बोलेगा। सिमिलरली हम आत्मा हैं, आत्मा को खाना नहीं देंगे, आत्मा शरीर छोड़ के चले जाएंगे, और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भले वो श्रीदेवी हो या ऐश्वर्या राय हो या कितनी भी सुंदरी हो, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। उसको क्या कहा जाएगा, बॉडी को इधर लाओ, बॉडी को उधर लाओ। ये नहीं बोला ना श्रीदेवी को यहाँ ले आना है, ऐसा नहीं, आपका रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है शरीर के साथ। तो इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें आत्मा को खाना देना, ये जो हम खा रहे हैं ये भी आत्मा का खाना है, भागवत गीता सुनना, भागवत गीता पढ़ना। तो आगे भगवान कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अब आप पूछोगे कि अच्छे कार्यों से भी मुक्त होना पड़ता है? पाप और पुण्य, अगर आपने पाप किया उसको भुगतने के लिए भी आपको इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, जहाँ पर बार बार मृत्यु होगा। अगर आपने पुण्य कमाया तो भी उसको भुगतने के लिए भी तो इधर ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने भक्ति उन्मुखी पुण्य कमाया तो नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमें अब फोकस करना है केवल और केवल भक्ति उन्मुखी पुण्य कमाने में, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि गरीबों को खिला दिया, भोग उन्मुखी पुण्य हो गया। लेकिन गरीबों को आप खिलाना चाहते हो तो पहले बढ़िया सात्विक भोजन बनाओ, तुलसी पत्र डाल के कृष्ण को भोग लगाओ तब खिलाओ, तो भक्ति उन्मुखी पुण्य हो गया, है ना? जैसे आपने अपने फ्रेंड को एक गुलाब दिया फ्रेंडशिप डे के दिन, एग्जाम्पल, तो पुण्य हो गया, लेकिन क्या हो गया, भोग उन्मुखी। लेकिन आपने उस गुलाब को पहले कृष्ण के चरण में चढ़ाया, फिर अपने फ्रेंड को दिया, गुलाब का भी उद्धार हुआ, और गुलाब भी तो आत्मा, उस पेड़ से जो हमने गुलाब करा वो पेड़ एक आत्मा है। तो हम मनुष्य हैं तो हम सारे आत्माओं का ऐसे कल्याण कर सकते हैं भगवान को समर्पित करके। अब हम किसी से भी कुछ फ्री में अगर लेते हैं ना, हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है, और उस ऋण को चुकाने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, एक रुपया भी मत लो किसी से। लेकिन कृष्ण भक्ति में कोई ऋण नहीं चढ़ता। अगर आपको फ्रेंड ने जाके रेस्टोरेंट में खिला दिया, आप पर ऋण चढ़ गया। लेकिन अगर आपने मंदिर में ले जाके कृष्ण प्रसाद खिला दिया, या जो भी चीज़ आप लाते हो, फल हुआ, कुछ भी लाया, भगवान को भोग लगा के खिलाया, ऐसे गरीबों को हमने भंडारा खिला दिया, वो जो व्यक्ति ने खिलाया, 10,000 गरीबों को खिलाया अपने लाइफ में, एग्जाम्पल, तो वो तो स्वर्ग जाएगा, गरीबों के सर पे पाँव रख के स्वर्ग जाएगा। और जब जन्म लेगा तो ये सारे गरीब उनके सर्वेंट बनेंगे, हो सकता है बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो और उनके सर्वेंट हो। लेकिन अगर कृष्ण प्रसाद खिलाया, ना उनको ऋण चढ़ा ना हमको ऋण चढ़ा, उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य मिला, हमको भी मिला, उनका भी उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा, म्यूचुअल बेनिफिट। तो इसलिए हमें भक्ति में संलग्न होकर हर कार्य करना चाहिए। आगे बताते हैं भगवान कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब
तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होंगी। दिव्य चेतना क्या है कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है, हमारा प्राइमरी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना, सेकेंडरी ड्यूटी है शरीर से रिलेटेड संबंधियों की सेवा करना। तो ये हमें समझ में आ जाएगा। तो कई बार लोग सोचते हैं ना, अरे भक्ति में आ गए तो शायद घर बार छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। खैर, गर्ल्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा घर छोड़ के चले जाने का। और गर्ल्स अगर भक्त बनती है ना, तो दोनों परिवार का उद्धार होता है, अपने माता पिता के परिवार का भी, दूसरे। आपने सुना होगा कर्मकांड में लड़के को ही चिता जलाने का जो है वो है संस्कार करने का, लड़कियों को तो नहीं है। लेकिन अगर जब भक्ति में आ जाते हैं तो आपकी भक्ति करने से आपकी दोनों ही परिवार को बेनिफिट मिलता है, उनके उद्धार का आप कारण बनते हो। तो इसलिए बहुत फ़ायदा है कि गर्ल्स भक्ति करें। तो अब जो है भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्णा, आपने बोला स्थित प्रज्ञा, जिसका बुद्धि भगवान में स्थित हो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, क्या भाषा है, कैसे बोलचाल है उनका, कैसे वो लोग चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो मुझे बताइए। तो भगवान अब बोल रहे हैं कि वो मनोधर्म से काम नहीं करते, जैसे आपका मन करे मैं ऐसे पूजा करूँ वैसे पूजा करूँ, वैसे काम नहीं करते हैं स्थित प्रज्ञा। शास्त्र में क्या बताया गया है उस हिसाब से काम करेंगे। कलयुग में अगर आप कोई भी पूजा मत करो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो भी आप कुछ मुक्त हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कलिसंतरन उपनिषद में वर्णन है, बहुत सारे और भी जगह पे वर्णन है। लेकिन एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिता भी है गुरु भी है ना ब्रह्मा जी नारद के, कि पिता आप ये बताइए कि कलयुग के लोग तो कितना कम जीते हैं, अभी 100 साल भी नहीं जीते, 80 तक आ गए, ऐसे कम होता जा रहा है। तो कलयुग के लोगों की सहनशीलता भी कम है, तपस्या भी नहीं कर सकते हैं, दुर्भाग्यशाली है, दुख बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इनका उद्धार कैसे होगा, वो मशीन युग है, इतना बिजी रहते हैं, समय भी नहीं है भक्ति करने का, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम नाम, ये 16 नाम, कली कलमश नाशनम, कली का कलमश नाश करेगा, नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है नारद, सर्ववेदेषु दृश्यते, सारा वेद मैंने देख लिया है, सारे वेदों में कोई उपाय नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही एक उपाय है। किसने दिया ये महामंत्र, ब्रह्मा ने ही सृष्टि किया है ना, पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुआ, फिर ब्रह्मा से बाकी जीवों का। तो अब ब्रह्मा ने जो हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसे हमें स्वीकार करके बस उसको अप्लाई करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मैं अप्लाई करके देखूँ, तो आप देखना आपके अंदर कितना रियलाइजेशन होता है, कितना डिफरेंसेस आती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बीच में माला करते हैं हरि नाम जप, आप जितना कर सको स्टार्टिंग में आप उतना कर सकती हैं, ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि कैसे होते हैं ऐसे भक्त, वो ऐसे होते हैं कि वो मनोधर्म से काम नहीं करता, शास्त्रों के हिसाब से काम करते हैं, कुछ भी परिस्थिति आए वो धैर्य धारण करते हैं भगवान का, क्योंकि भक्त का एक गुण होता है, दुख आए तो भगवान का चरण कस के पकड़ेंगे, कृष्ण रक्षा करो, बहुत बहुत विचलित हो रहा है मन, आप मेरे मन को कंट्रोल करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, है ना। और ये भी जानते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया होगा पूर्व जन्म में पाप, इसलिए दुख तो पाप के कारण क्या, पाप के कारण आता है, लेकिन उनको मालूम है कि भगवान की क्योंकि भक्ति कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये जो है मेरे कम करके मिला। ऐसा होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे पाप कर्मों का फल भी कम हो जाता है। और जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तो क्या करते हैं, तो वो भी भगवान को फिर भी कस के पकड़ लेते हैं चरण को, कि भगवान आप इतने दयालु हैं, मैंने इतना भी पुण्य नहीं किया होगा, आपने बढ़ा चढ़ा कर ही मुझे दिया होगा। तो ऐसा विश्वास एक भक्त का होता है भगवान पर, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा, स्थिर मन जिसका होता है। और एक और भगवान बोलते हैं 58 श्लोक में, जिस प्रकार कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ को आप जाओ उसको डराओ कुछ भी करो, अंदर अपना पैर हाथ सब अंदर करके ऐसे खोल के अंदर सेफ कर लेता है अपने आप को, ठीक वैसे ही आपको जब लगते हैं कि असत संगति है तो आप क्या करो, अपने आप को
वहाँ से तुरंत अंदर, कोई पार्टिसिपेशन नहीं असत संगति में। तो आपको इंद्रिय तृप्ति का जो ऐसा आए तो आप अंदर अंदर अपने आप को सेफ कर लो, भगवान का नाम जप करो और आप भगवान के ही भक्ति में दृढ़तापूर्वक आपको लगे रहो। नहीं तो आसपास आपके कितने लोग हैं जो भक्ति करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं? नहीं करते हैं ना। लेकिन मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है और उसको हम ऐसे ही खो देंगे तो इसलिए हमें असत संगति है उनसे दूर रहना चाहिए। आगे भगवान बोलते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए, इंद्रियों को वश में करने का एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। आपका कल एग्जाम है, आपका मरने का मन के बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करते हो आप मुझे बताओ? कल एग्जाम है लेकिन आप क्या मूवी देखने लगते हो? ये भी पढ़ते ही हैं, खुद को डांट के पढ़ने बैठा देते हैं। खुद को डांट के ना, अरे पढ़ना ही पड़ेगा, आप एग्जाम के बाद देख लेंगे क्या करना है, पर पढ़ना ही पड़ेगा, आज का रात है, कल सुबह सुबह एग्जाम है, ऐसे करते हो ना। तो ये भक्त जो होते हैं वो इंद्रिय संयमन कर, इसको बोलते हैं इंद्रिय संयमन। आपको ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मन नहीं करेगा स्टार्टिंग में, फिर भी आप करते हो तो भी आपको लाभ होता है। आप जब बहुत मान लो कोई बीमार होते हैं, और बच्चे लोग खासकर नखरे करते हैं, मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई इतना कड़वा है, तो फिर भी मम्मी ज़बरदस्ती जब दवाई खिला देती है, उसका मन नहीं था दवाई खाने का, तो बुखार ठीक होता है नहीं होता है? ऐसा ही हरि नाम है, आपका मन करे ना करे आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए, वो दवाई असर करेगा, जितना अधिक हो सकते उतना। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा गया है। एक और बात है, भगवान कहते हैं धायतो विषयान पुंस, 62 श्लोक में, कि आप जब विषयों के बारे में सोचते रहोगे ना तो आप क्या करोगे, आसक्ति उत्पन्न कर लोगे। किसी भी गर्ल को बॉय से या बॉय को गर्ल से जब प्यार होता है, वो प्यार ऐसे ही नहीं पनपता, वो दिन रात सोचते रहते हैं, तो क्या होता है ना, सोचने से प्यार बढ़ता जाता है, आप समझ रहे हैं? तो बढ़ने से क्या होता है, एक ऐसा समय आता है, आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत कम उम्र में वो भाग गए, ऐसा आपने सुना? मतलब एक 10th क्लास का या 12th क्लास का बच्चा ये भी नहीं सोचा कि कैसे खाएंगे, बस लड़की को भगा कर ले गए, ऐसा आपने सुना होगा? मोस्टली है ना, ऐसा होता है टीन एज में होता है, क्योंकि उनका जो है सोच सोच के वो प्यार को बढ़ाते रहते हैं, आसक्ति को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, जैसे आपका एज अभी ऐसा है और आपको ऐसे इन्फेचुएशन हो जाता है और आपको मालूम है ये लड़का गलत है, तो आप सोचना बंद कर दो, आपका आसक्ति नहीं बढ़ेगी, आप बच जाओगे। या आपको इन्फेचुएशन हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है कोई, तो आप भगवान से प्रार्थना करो, हे कृष्णा मेरी कृपण दुर्बलता के कारण मैं भ्रमित हो चुका हूँ या भ्रमित हो चुकी हूँ, तो मुझे आप रास्ता दिखाई, मेरे लिए अच्छा है तो रहे मेरे लाइफ में, नहीं अच्छा है तो चला जाए, और आप देखना भगवान आपको रिसिप्रोकेट करेंगे। कोई फ्रेंड के लिए भी आप बोल सकते हो कि ये मेरे लिए सही है तो मेरे जीवन में रहे, अगर ये मुझे गुमराह करने वाली है तो मेरे जीवन से चली जाए, अपने आप चली जाएंगे, आप देखना, है ना? आपने ट्राई किया? बहुत बार ट्राई किया, यस। मैंने एक्चुअली जब BHU में थी तो मैंने कुछ गर्ल्स को ये बताया था, उनके बॉयफ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट सबके, तो मैंने बोला आप भगवान से प्रे करो, अगर ये लड़का मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए सही है, मेरे भक्ति के लिए सही है, तो मेरे जीवन में रहे, नहीं तो मुझे कष्ट हुए बिना ये अपने आप चला जाए। तो बहुत सारी लड़कियों का चला गया और कुछ लोगों का रहकर अभी वो लोग बहुत अच्छे पति हैं। तो भगवान अपने आप आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, अपने आप ब्रह्मांड कार्य करेगा, आपको बस डिटरमाइंड रहना है कि मैं अच्छे के साथ ही चलूंगी, आई विल नॉट चूज द रॉन्ग वन, क्योंकि उससे आपको कष्ट होगा। जैसे कोई मच्छर होता है, मच्छर का काम तो काटना ही है ना, तो गलत लोग हमेशा आपको दुख ही प्रदान करेंगे, भले ही स्टार्टिंग में आपको ऐसा मिठास लगे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन मत करते रहो, भगवान के बारे में हमें चिंतन करना है। जैसे एक लड़की लड़के के बारे में सोच रहे तो प्रेम बढ़ता जाएगा ना, आप भगवान के बारे में सोचते रहोगे आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या लाभ होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने से आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, आप सक्सेसफुल भी होंगे और आपका लाइफ बहुत पीसफुल भी होगा, ब्लीसफुल एंड पीसफुल, ठीक है? तो आगे बताया भगवान ने कि जैसे हमारे मन में काम उत्पन्न हुआ,
जैसे आपने सुना होगा कि एक लड़का लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना किया, तो क्या होता है उसके मन में? गुस्सा आता है, ईगो है ना। कई लोग तो क्या क्या करते हैं, ऐसी डाल देते, क्यों डालते हैं? क्योंकि ईगो होता है ना उनके अंदर, क्रोध आ गया, क्रोध, मुझे मुझे कैसे रिजेक्ट किया। तो ऐसे ही कोई चीज़ हम पाना चाहे नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से गुस्सा आएगा। यानी काम से क्या हुआ, क्रोध आया, और जैसे ही आपको गुस्सा आता है आपको कैसा फील होता है, आप शेयर कर सकते हो? जैसे आपको गुस्सा आया बहुत, कैसे कैसा फील होता है? गुस्सा ही नहीं आता तो आपका ऐसा लगता है ना, दिमाग गर्म हो गया, हाथ पैर हाँ ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ऐसा फील होता है ना, कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होगा, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगा। गुस्से में इसलिए हमें कभी डिसीशन नहीं लेना, गुस्से में किसी को भी कुछ बोल नहीं देना। गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब क्या है, उस समय आप चुप हो जाओ। अगर आपको गुस्सा आया, पता नहीं आपके मुंह से क्या क्या निकलेगा, और बाद में आप खुद पछताओगे। क्यों पछताना? तो भगवान कहते हैं कि स्मृति नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है गुस्से में। जितना भी काम हुआ है ना आज तक गुस्से में ही हुआ है, घर गलत काम, और गुस्से के कारण ही क्या होता है, वो भवक रूप में पुनः गिर जाता है, उसका मुक्ति नहीं हो सकता गुस्सा करने वालों का। लेकिन इसमें अर्जुन का गुस्सा करना, अर्जुन को गुस्सा के बिना कोई युद्ध कर सकता है? ये गिरा दो इसको, ये बैग ना, गुस्से के बिना कोई युद्ध कर सकता है? क्रोध, वो क्रोध अच्छा है, जिस क्रोध से दूसरों की रक्षा होती है वो क्रोध अच्छा है, तो वो क्षत्रिय होकर क्रोध कर सकते हैं। लेकिन रक्षा के बिना अगर हम क्रोध करते हैं तो वो हमें भव बंधन में डाल देती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम सारांश कर रहे हैं। आपने कभी समुद्र देखा है किसी ने? समुद्र में निरंतर लहर आती रहती है और बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती रहती है, फिर भी क्या समुद्र अपना तट क्रॉस करता है? सुनामी आ जाएगा। ऐसे ही हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते रहेंगे, मन में इच्छाएं आती रहेंगी, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इच्छा को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। सबको अंदर नहीं आने देना है, नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। तो भगवान लास्ट में कहते हैं 72 श्लोक में, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता, और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इसी तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। आप लोग एग्जाम देते हैं, बचपन से देकर बड़े हुए हैं, एग्जाम दे बिना आप क्या प्रगति कर सकते हो? तो इसी प्रकार हमारे लाइफ में फाइनल एग्जाम है कि अंत काले भगवान का स्मरण करें, और वो स्मरण जैसे आप पूरा साल भर मत पढ़ो और एक रात पढ़ के क्या आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हो? ऐसे ही हमें पूरा जीवन प्रिपरेशन करना है, और हम कितना समय दे सकते हैं भगवान को? रोज दो दो घंटा, तीन तीन घंटा ही तो दे सकते हैं, बाकी काम भी आप करते हो, पर्सनल या नौकरी या पढ़ाई, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरा जीवन हमें प्रिपरेशन करना है कि हमारा मन भगवान में स्थित हो जाए, ताकि अंतिम समय में अपने आप ही हमें भगवान का स्मरण हो। जैसे आप कभी चोट खाते हो, गिर जाते हो, तो हम क्या बोलते, ओए माँ, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, देख ले, अरे बाप रे, मतलब माँ और बाप को याद कर रहे हैं। लेकिन जब आप चोट खाओ और अचानक आपके मुंह से निकल जाए कृष्णा, यानी सही ट्रैक पे हैं आप। आप दुख में कृष्ण को स्मरण करें, सुख में कृष्ण को स्मरण करें, यानी आप वो आत्मा के लेवल में आ चुकी हैं। तो यानी हम आत्म साक्षात्कार तभी होगा, यानी आत्मा कौन है, भगवान कौन है, ये ज्ञान हमें तभी होगा जब हम हरिनाम का जप करेंगे और आत्मा को उसका आहार देंगे। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और एक राउंड जप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।